खबर चित्तौड़गढ़ से। अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई के विरोध किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के संगठन मंत्री नवाब खान व वार्ड 51 कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जमील अहमद लोहार ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन लोहार के नेतृत्व में शनिवार को कलेक्ट्रेट चौराहा पर ICC सदस्य एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के मुख्य आतिथ्य एवं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इसके पश्चात अल्पसंख्यक बैनर तले कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर हाथ गाड़ी में गैस की टंकी व स्कूटी घुमाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव मोहसिन खान, मनोनीत पार्षद आरिफ अली, ब्लॉक अध्यक्ष शब्बीर हुसैन रंगरेज, बस्ती नगर अध्यक्ष फिदा उल उस्तमा जिशान आदि अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, जो महंगाई बेताशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन 2014 में आने के बाद जो बढ़ी है, उससे आम गरीब, आम उपभोक्ता, हर वर्ग बुरी तरह से आहत है। जो डीजल 58 रुपए लीटर था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, वो बढ़कर के आज 99 रुपए के करीब पहुंच गया डीजल। पेट्रोल जो बेहतर के ऊपर था, वो आज पेट्रोल, मैंने सुबह एक भील समुदाय का एक व्यक्ति आया, उसे पूछा कि डीजल आज पेट्रोल भराया कितने पैसे थी, 111 रुपये लीटर आज वो देकर के आया है। शक्कर महंगी हो गई, खाने का तेल जो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये किलो था, वो आज बढ़ करके आपका 200 रुपये छू रहा है। सोयाबीन का तेल, मूंगफली उससे और ज़्यादा है।